नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचों चरण के मतदान हो चुके हैं। 23 तारीख को मतगणना होनी है। ऐसे में शुक्रवार को यानी कि कल एग्जिट पोल आ गया है, तो अब हम जानेंगे कि एग्जिट पोल को लेकर क्या स्थिति बन रही है। हमारे साथ राजमोहन तिवारी हैं। राजमोहन तिवारी के बारे में बता दें, राजमोहन तिवारी ने बिहारी न्यूज के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कई आर्टिकल्स लिखे हैं, उन उस क्षेत्रों को के बारे में जाना है, पढ़ा है। तो आज हम राजमोहन तिवारी से जानेंगे कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से झारखंड की क्या स्थिति बन रही है, बीजेपी की क्या स्थिति है और महागठबंधन की जो स्थिति है उसमें किनको कितना फायदा हो रहा है, किनको कितना नुकसान हो रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर आज हम राजमोहन तिवारी से बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या आए हैं। तो सबसे पहले जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब तक तीन जो एग्जिट पोल आए हैं, सी वोटर एपी का है, आज तक का है और टाइम्स नाउ का है, तो इन तीनों में जो स्थिति है उसमें बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। और वहीं कांग्रेस के साथ जो महागठबंधन में आरजेडी है, झामुमो है और कांग्रेस है, तो इन तीनों की स्थिति जो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो सीधा हम राजमोहन से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति बन पा रही है। राजमोहन बताएं। नमस्कार आप सभी का। मैं बता दूं कि जो चुनाव हुए हैं ये पांच चरणों में चुनाव हुए थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो दिखा है बीजेपी का, और पहले चरण में ही दिख गया। अच्छा। और उसका सबसे बड़ा कारण था चुनाव के पहले महागठबंधन का बनना। महागठबंधन में झामुमो, राजद और कांग्रेस के मिल जाने के वजह से तकरीबन दर्जन भर सीटें ऐसी थी जिसने बीजेपी को 2014 के चुनाव में 5,000-4,000 के वोटों से जिताया था, और वहां पर इनके गठबंधन नहीं होने के वजह से वोटों का बिखराव हो गया था। तो इस बार गठबंधन हो जाने के वजह से बीजेपी को वहां भारी नुकसान होता दिख रहा है। पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो पहले चरण पर 13 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें से मात्र 6 सीट ही बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। मतलब एक अनुमान लगाए तो 5 से 6 सीट ही जीत रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से लग रही है। 1-2 सीट उसमें भी 50-50 के चांसेस है। हाँ। तो हो सकता है कि 6 से नीचे भी चले जाए, तो ये भी एक नुकसान का एक कहा जा सकता है कि एक अभी पूर्ण रूप में कि 6 सीटें ही मिलेंगी ये भी गारंटी नहीं है। हाँ, वो तो अभी एग्जिट पोल आएंगे उसके बाद से। ये एग्जिट पोल जो है उसमें बीजेपी को 33-34-30-35 के आसपास ही सभी ने दिखाया है, पर मेरा मानना है कि 35 तक भी नहीं जाएगी बीजेपी इस बार, ये मेरा मानना है। ये जो मैंने देखा है, मैंने जो अब तक इस पर कवर किया है झारखंड चुनाव को, उसमें मैंने देखा कि ये 35 भी जाने लायक अभी की स्थिति में तो नहीं है। और अगर ये सरकार बना सकते हैं तो गठबंधन में ही बना सकते हैं। गठबंधन में कौन शामिल होंगे ये आजसू एक तो दिखती है और JVM दिखती है। तो पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आसू उनके साथ थी, तो उसका क्या नुकसान इनको लग रहा है कि अगर उनके साथ इनका गठबंधन नहीं हो पाया, आखिरी समय में गठबंधन टूट गया दोनों का, तो क्या कारण रहे थे कि आखिरी समय में गठबंधन टूट गया इनका और उसका नतीजा ये हुआ कि एग्जिट पोल में इनके नतीजे ठीक नहीं दिख रहे, तो क्या लग रहा है? देखिए, गठबंधन टूटने का नुकसान तो दोनों को हुआ है, क्योंकि आसू को इससे कोई फायदा तो नहीं मिला है। ये है कि सीटों के बंटवारे को लेकर इनका हुआ था कि उनका कहना था कि हमें और सीटें चाहिए। पिछले बार इन्होंने 8 सीटें पर चुनाव लड़ा था, 5 जीते थे शायद। इस बार इन्होंने बोला कि नहीं, हमको और सीटें चाहिए, तो 10-15 के अनुमान। लेकिन मेरा जो मुझको जो खबर मिली उसमें था कि इनका सीटों पर का जाइए सीटों के अंक को लेकर झगड़ा नहीं था, सिर्फ 1 सीट को लेकर झगड़ा था। अच्छा। बीजेपी का कहना था कि हमने आपके लिए संसदीय सीट एक जीता हुआ छोड़ दिया था आपके चुनाव लड़ने के लिए, तो आप हमारे लिए क्या एक विधानसभा का सीट नहीं छोड़ सकते थे? वो सीट के बारे में मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, वो सीट कौन सी थी जिस पर वह लगातार आसू से उस पर जीतते आ रही थी, लेकिन बीजेपी का कहना था कि अब हम इस पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं, लेकिन आसू ने कहा कि नहीं, ये मेरा पारंपरिक सीट है और मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो इसमें इसे जब उसमें आसू के साथ बीजेपी के गठबंधन जब टूटने की खबर आई थी, उसके बाद से ये खबर भी सामने आई मीडिया में कि आसू ने वैसे कैंडिडेटों के जो बीजेपी के दबंग मतलब जो बड़े नेता हैं उनके सामने आसू ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, और आसू के जो बड़े नेता हैं उनके साथ में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं, उनके अगेंस्ट में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इस तरह की भी खबरें मीडिया में चल रही थी। मैं इस खबर को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि बहुत से ऐसे सीट हैं जहाँ पर
आजसू ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, यहाँ तक कि जमशेदपुर पश्चिमी पर भी उतार दिए हैं, जहाँ से ये पहले सरयू राय खड़े थे उन्होंने निर्दलीय फिर सीधे जमशेदपुर पूर्वी चले गए जहाँ पर रघुवर दास के सामने खड़े हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आजसू ने नहीं उतारा है, बड़े बड़े मंत्रियों के सामने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, अच्छे अच्छे पारंपरिक सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो ये कहना, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता कि इन दोनों में मिली भगत होती तो फिर साथ लड़ते तो फायदा होता ना, साथ लड़ते तो फायदा दिखता। एक दो सीट में आपको यह भी बता दूं कि आजसू के खड़े होने से बीजेपी को फायदा हो गया है, उनका वोट उधर से कन्वर्ट, क्योंकि उनका जो वोट उनको आजसू को मिला है वो बीजेपी के कैडर का वोट नहीं कटा है, वो जेएमएम या महागठबंधन के कैडर का वोट या जेवीएम के कैडर का वोट उन्हें मिल रहा है। तो एक दो सीट ऐसी भी हैं जहां बीजेपी को फायदा हुआ है, लेकिन ये कहना कि आपसी मिली भगत से उन्होंने गठबंधन तोड़ा है तो ये सरासर गलत खबर है, इस पर आप विश्वास ना करें। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह से टिकट बंटवारे के समय बीजेपी के अपने नेताओं में विद्रोह की खबर थी जिसमें सरयू राय को पार्टी से निकाल दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो इस तरह से भी क्या प्रभावित हो सकता है? सरयू राय को पार्टी से नहीं निकाला गया, तो उनका टिकट काट दिया, और सीधी बात है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास बाद में उनका टिकट काट दी, नहीं उनकी बनती नहीं थी मंत्रालय के समय से ही, जब मंत्रालय जब कैबिनेट में ये लोग थे तभी से मुख्यमंत्री से सरयू राय की नहीं बनती थी, सरयू राय कुछ और बोलते थे, मुख्यमंत्री कुछ और करते थे। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरयू राय का टिकट काटने में सीएम का हाथ था और इसी के वजह से सरयू राय नाराज होकर जिस सीट से उनका टिकट काटा गया वहां ना लड़के वो सीधे सीएम के विरोध में आकर खड़े हो गए, निर्दलीय ही लड़े लेकिन सीएम के विरोध में आकर खड़े हो गए, क्योंकि वो नाराजगी जो थी सीधे व्यक्तिगत तौर पर थी, ना कि कोई पार्टी व्यक्तिगत नाराजगी थी। और सरयू राय ने यहाँ तक कहा कि सीएम रघुवर दास की वजह से झारखंड चुनाव में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये सरयू राय का बयान था। तो आपको क्या लगता है सरयू राय जीत जाएंगे? सरयू राय नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए एक और बात है कि रघुवर दास 1995 से जब जमशेदपुर पूर्वी से जीतते आ रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है उनको हराना। उनके सामने कांग्रेस के गौरव भल्ला भी खड़े हैं जो कि काफ़ी मशहूर हो चुके हैं अपने टीवी शोज के वजह से, बीजेपी प्रवक्ता के साथ बातचीत को लेकर संघर्ष, इस तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर गौरव भल्ला है और उनके सामने और कड़ी टक्कर दिया है उन्होंने, हालांकि ग्राउंड लेवल पर दिया है, वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये तो रिजल्ट बताएंगे, हम इस पर ज़्यादा प्रिडक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ग्राउंड लेवल पर उनकी बातों को जनता ने सुना है समझा है। लेकिन क्योंकि एक छवि है रघुवर दास की सीएम की है, साथ में लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, तो हराना इतना आसान नहीं रहा, ना ही सरयू राय के लिए ना ही गौरव भल्ला के लिए। तो इन सब चीज़ों के इतर अगर हम सोचे पूरा, अगर झारखंड चुनाव का विश्लेषण देखें, अगर हम पूरी बीजेपी को देख लें, तो इससे पहले महाराष्ट्र, उससे पहले हरियाणा बीजेपी अपना सीट खोती रही है, और अब झारखंड की जो स्थिति है वो भी बीजेपी के हाथ से जाती दिख रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किन किन कारणों पर कहाँ कहाँ जो है बीजेपी अपने आप को चूक करती दिखी है? देखिए कारण बहुत से हैं, क्योंकि आप जब आए थे सत्ता में तो आपने एक मुद्दा को नहीं पकड़ा था, आपने जनता के सामने एक स्वर्ग दिखाने का प्रयास किया था कि हम आएंगे तो हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचा देंगे, हुआ कुछ नहीं। आर्थिक मंदी झेल रहा है भारत, देखिए आज हाल देश का क्या बना हुआ है, जहां तहां विरोध, और देखिए एक समय विरोध नहीं हो रहा है, जब से आप बने हैं विरोध आप झेलते ही आ रहे हैं, कभी सीएसटी कानून को लेकर झेल रहे हो, आर्थिक मंदी को लेकर झेल रहे हो, सरकार के कामकाज को लेकर झेल रहे हो, डिमोनेटाइजेशन में आपने गड़बड़ी की क्योंकि फायदा किसी को नहीं दिखा, महंगाई को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, इकोनॉमी भारत की बहुत ज्यादा गिर गई, साथ में आपने जिन वादों के साथ आप जिस भी राज्य की सरकार में आप पहुंचे वहां के वादों को आपने पूरा नहीं किया, आप काम से ज्यादा आपने सामाजिक समरसता को में आपने पैठ बनाने की कोशिश की, उसमें नुकसान पहुंचा है। और बहुत से ऐसे मैं ये भी कहूं कि बीजेपी के पारंपरिक वोटर भी इस बार थोड़ा बीजेपी से काफ़ी नाराज चल रहे हैं, और उनका मुद्दा महंगाई नहीं रहा, उनका मुद्दा था कि आपने हमारे जो बीच की जो बातें थी, हमारे बीच की जो विविधता थी, उसमें आप थोड़ी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हम वो भारत अब नहीं देख पा रहे हैं। एनआरसी और कैब को लेकर आपको क्या लगता है? ये मुद्दा काफी असर पड़ेगा, पड़ा है झारखंड चुनाव में भी, और क्योंकि बिल जो पास हुआ, झारखंड चुनाव कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय, जब लाया जा रहा था उस समय झारखंड चुनाव शुरू हो रहा था, तो इसका भी असर था, और विरोधी पक्ष सही कहें तो उतने बेहतर तरीके से घेर नहीं पाए,
क्योंकि अगर चुनावों के दौरान भी वो मंचों पे वो उस तरह की बातें नहीं कह पाए, घेर नहीं पाए। अगर घेरते ना तो बीजेपी यहाँ पर जो 30-35 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो 20 के आसपास आ सकती थी। ये भी था, और सबसे बड़ी बात कि ट्राइबल झारखंड में ज्यादा है और वो नाराज है बीजेपी से बहुत ज्यादा। तो एनआरसी को लेकर ट्राइबलों को दिक्कत हो सकती है? एनआरसी को लेकर तो उनमें है ही, क्योंकि कागज उनके पास कहाँ होंगे, आपके पास नहीं होंगे, मेरे पास नहीं होंगे, उनके उन तो दूर का बात है उनका, क्योंकि एक गरीब जो होता है वो कागजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो अपने पेट पर ज्यादा ध्यान देता है। तो एनआरसी मुद्दा रहा है, लेकिन साथ में झारखंड में जिस वादों के साथ आप आए थे आपने उनको भी पूरा नहीं किया। कुछ कुछ चीजें हैं जिन्हें पूरा किया गया है, लेकिन क्योंकि प्रशासन की ढिलाई रही, प्रशासन उस तरह से काम नहीं किया। क्योंकि देखिए, आप जब आपको हम चुनते हैं तो एक दो बातें नहीं होती है, आप योजना को बनाए ये जरूरी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। आपने योजना बनाया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए, वो नहीं हुआ, जिससे वहाँ की जनता काफ़ी नाराज है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो राम जन्मभूमि का मामला आया था, अयोध्या मामला, उससे वोटर कन्वर्ट नहीं हो पाए बीजेपी की तरफ? देखिए, राम जन्मभूमि का मामला जो था और जो 370 का भी मामला था, ये एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि जनता को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उनसे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ प्रतिशत भी मैं नहीं कह सकता, कुछ लोग इससे प्रभावित हुए हों, है ना, उन्हें और मुद्दे नहीं दिखे हों, और हो सकता है कि राम मंदिर 370 पर वोट कर दिए हों, लेकिन अधिकतर जनता का राय था कि वो आपका काम था करने, आपका ये घोषणा पत्र, आप सेंट्रल में थे, आपने सेंट्रल में इन्हीं मांगों के आधार पर आए थे, इन्हीं घोषणा के आधार पर आए थे, वो आपने किया। जबकि अपनी रैलियों में अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों इसका बार बार जिक्र करते रहे हैं। आप देखिए कि 370 हटने के बाद दो चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र और हरियाणा, हरियाणा के, आप वहां पे कहीं बहुमत में नहीं दिखे। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि जनता को उससे अब उतना मतलब नहीं है, अब जनता देख रही है कि आप काम क्या कर रहे हो और उसको आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जनता जानना चाह रही है। और देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद है, हर किसी के पास हाथ में मोबाइल है, वो आपको जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तो ये सब मुद्दे रहे, अगर अब 370 और राम जन्मभूमि मामला और एनआरसी को लेकर जनता ने वोट नहीं किया, बीजेपी के वोट कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो अब तक हम सुन रहे थे राजमोहन तिवारी से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कि क्या स्थितियां रही, और एग्जिट पोल के बाद जो स्थितियां बन रही है उसमें बीजेपी की स्थिति कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, वो सत्ता में किस तरह से गठबंधन में, अगर हाँ अगर ये अगर सवाल देखें, अगर वो सत्ता में आना चाहती है तो किसके किसके साथ गठबंधन करेगी और उसके साथ क्या स्थितियाँ बन पाएगी? मैं कुछ बातें 2014 चुनाव से भी जोड़ना चाहूँगा। जो 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी 37 सीटों के साथ आई थी और बहुमत का आंकड़ा इनके पास नहीं था। है ना, तो इन्होंने JVM के 9 जो कैंडिडेट 8 या 9 जीते थे उनको उनमें से 6 को तोड़ के अपने पास लाए और पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। हालांकि रघुवर दास जी पहले मुख्यमंत्री भी बन गए जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। हाँ, झारखंड के इतिहास का इतिहास एक बना है उन्होंने। तो मैं उसको जोड़ूंगा 2014 के चुनाव से कि 2014 में जो वोटिंग थी और इस बार की जो वोटिंग थी उसमें ये चीज भी देखने को मिली कि इस बार जनता ने वोटिंग में ज्यादा सहभागिता निभाई, ज़्यादा रूप से ज़्यादा गए और वोट किया और मुद्दे को लेकर वोट किया है। तो उस समय का जो वोटिंग परसेंटेज था और अभी का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत फर्क हम देख रहे हैं। उस समय बीजेपी को एक और चीज़ ये देखिएगा कि 31.3% वोट मिले थे, इस बार भी उनको इसी के आसपास वोट मिलेंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस बार भी उनको इसी के आसपास वोट मिलेंगे, 30% से कम वोट बीजेपी को नहीं मिलेंगे। लेकिन क्योंकि JVM कांग्रेस राजद का गठबंधन बन गया, इस वजह से वोट जो शेयर है वो शिफ्ट हो गया एक गठबंधन में। इसलिए इनका वोट परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इनके वोट परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वोट शेयर तीन दलों का जब एक साथ मिलेगा तो उसका नुकसान बीजेपी को जरूर होगा। और जो 5 चरणों में चुनाव हुए थे उन चरणों में भी बता दूं कि किस चरण में कितने सीट वो जीत सकते हैं। मैं एक एनालिसिस अपना हमारे जो बिहारी न्यूज है उसका भी मैं दे देता हूं। तो जो पहला चरण जो हुआ था 30 नवंबर को, उसमें तकरीबन 5-6 सीट दिख रहा है जिसमें 1-2 सीट पर 50% चांसेस है। दूसरा जो सीट है वो 7 दिसंबर को चुनाव हुए थे 20 सीटों पर, और इनमें थोड़ा बढ़त उनको
मिल सकता है। ये क्योंकि इसमें जमशेदपुर पूर्वी भी आता है, जमशेदपुर पश्चिमी भी आता है, शहरी क्षेत्र जुड़ता है इनसे। हाँ, काफी ज्यादा शहरी क्षेत्र इनसे जुड़ते हैं क्योंकि पहला जो चरण का चुनाव था उसमें 60 सीट और 80 सीट काफी ज्यादा है, तो उसमें नुकसान दिख रहा है। लेकिन दूसरे चरण में इनको तकरीबन मुझे लगता है 20 में 9 या 10 सीटें या 11 भी आ सकती हैं। तीसरे चरण में अगर बात करूं मैं तो 15 सीटों पे चुनाव हुए थे, लेकिन यहां पर फिर इनको नुकसान हो सकता है। 50-50 चांसेस हैं कि ये 15 में से 5 या 6 सीट जीत सकते हैं। फिर अगर मैं चौथे चरण की बात करूं तो चौथे चरण में 15 सीटों पे चुनाव हुए थे, तीसरे चरण में 17 सीटों पे चुनाव हुए थे। तीसरे चरण में 17 सीटों पे चुनाव हुए जिसमें से 6 या 7 सीट जीतते दिख रहे हैं। चौथे चरण में 15 सीटों पे चुनाव हुए थे जिसमें भी ये 7 सीटें 6 या 7 सीट जीतते दिख रहे हैं। और पांचवें चरण में जो कि 20 तारीख को हुआ था उसमें 16 सीटों पे चुनाव हुए थे, उसमें भी यह उसी के आसपास के आसपास हैं। तो बिहारी न्यूज का जो मेरा मानना है, बिहारी न्यूज के थ्रू मैंने जो कवर किया झारखंड को, उसमें मानना है कि ये आप ज़्यादा सीटें हैं तो मुझे नहीं लग रही है कि, क्योंकि 16 जो लास्ट चरण है इसमें मुझे लगता है कि 6 या 7 नहीं 4 या 5 पे आ जाएंगे, 4 या 5 पे। तो मुझे लग रहा है कि 30 के आसपास ही, मेरा मानना है 30 या 31-32 जा सकता है, 35 मेरा अनुमान है कि नहीं जाएगा झारखंड चुनाव में बीजेपी का आंकड़ा। और महागठबंधन का भी बहुमत मिल जाए इसमें भी शक है, उनको भी गठबंधन के लिए भी और आवश्यकता यानी कि त्रिकोणीय हो सकता है इसमें निर्दलीय कुछ आपको 1-2 सीट निर्दलीय भी जीतते दिख रहे हैं जो इसमें महत्वपूर्ण सहभागिता निभाएंगे सरकार बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी, इन्होंने जो कवर किया था उन बातों को, उन मुद्दों को हमारे साथ शेयर किया। कल यानी शुक्रवार को आए एग्जिट पोल नतीजों के बाद हमने एक छोटी सी समीक्षा की राजमोहन तिवारी के साथ। आगे जैसे ही किसी तरह के रुझान की का जिक्र होता है, किसी तरह के झारखंड की राजनीति में किसी तरह की गतिविधियाँ होती है तो उसके जस्ट तुरंत बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे और ऐसे ही नए लेटेस्ट वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। 23 दिसंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, उस दिन हम पूरा कवरेज बिहारी न्यूज़ के माध्यम से झारखंड विधानसभा चुनाव को आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।